कैसे हैं आप लोग? तो भाई लोग क्या हालचाल आपके भी आ गया हो एक और नए वीडियो के साथ। सो गाइस अब तक आप लोगों ने टाउन हॉल 9 एंड टाउन हॉल 10 बिना पैर को क्या आप तक 3 स्टार कर सकते हो। आप लोगों ने देख लिया अभी बारी है टाउन हॉल 11 का। और जो भी चले भी नए आए उनके लिए मैं बता दूं कि सुमित भाई ने अभी कुछ दिनों पहले टाउन हॉल 9 से लेकर टाउन हॉल 14 तक कुछ अनब्रीटेबल बेस किए थे और बस मैं वही बेसिस को कैसे आप लोग बिना पैनिक को 3 स्टार कर सकते हो वही मैं दिखाने वाला हूं, क्योंकि सुमित भाई ने खुद ही कहा है दुनिया में कोई भी ऐसा बेस नहीं है जो ट्रिपल नहीं होगा, हर एक बेस 3 स्टार होगा, ये बात ध्यान में रख लो। और बस यही चीज में आप लोगों को करके दिखाने वाला हूं। अगर कहीं वार्ड पे आपके ओपोनेंट के ऊपर ये सारे बेस में तो कोई सारे बेस आ जाए तो बिना पेन के बहुत ही इजीली आप लोग कैसे 3 स्टार कर सकते हो वही दिखाने वाला हूं, ठीक है। तो ये रहा हमारा पहला बेस, मतलब मेरा नहीं सुमित भाई का पहला ये रहा बेस है। और इस बेस के ऊपर हम लोग यूज करने वाले वन ऑफ द लेजेंडरी आर्मी भाई पेक का बो बैट। और क्योंकि इस बेस से भाई पेक का बो बैट से वैल्यू है और बहुत बहुत कुछ मिल रहा है भाई पेक का बो बैट। और मैंने सीसी बहुत ही तगड़ा रखा है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो आप लोगों को समझने में। तो बस आपको पहले प्लान चल रहे थे वो चलो तो कैसे पहले आप लोगों को एक इलेक्ट्रो ड्रैगन मतलब दो इलेक्ट्रो ड्रैगन और दो लून ले रहे हैं। यहाँ पे एक इलेक्ट्रो ड्रैगन फिर यहाँ पे इलेक्ट्रो ड्रैगन फिर थोड़ा सा यहाँ पे फनल बन जाएगा। अरे यहाँ पे मार्क भी नहीं हो रहा, थोड़ा सा यहाँ पे फनल बन जाएगा, यहाँ पे थोड़ा बन जाएगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पे जो चारों के चारों पिक कर लियो, चारों चारों पिक यहाँ पे डिप्लॉय कर देना है। फिर उसके बाद पीछे से यहाँ पे हमारा लॉन्चर डिप्लॉय कर देना, रॉकेट लॉन्चर यहाँ पे आज के ये वाला वॉल फोड़ दे इजिली। और फिर यहाँ पे आप लोग अपना किंग फिर अपना वार्डन क्वीन सब कुछ यहाँ पे डिप्लॉय कर देना, जो भी ये चारों के चारों हीलर्स यहाँ पे चारों के चारों हीलर्स आप लोग को डिप्लॉय कर देना, ठीक है। तो फिर जब भी यहाँ पे ट्रूप सारे के सारे यहाँ पे बंच पे आ जाए यहाँ पे तब पे आप लोगों को यहाँ से एक रेस बेल डिप्लाई करना है। और ठीक ठाक टाइम देखते हुए मतलब आपके जो लॉक रोचर है वो बस फूट ना जाए आप लोगों को वार्डन की एबिलिटी भी डाल देनी है, ठीक है। तो सारे के सारे ट्रूप को फिर से आपको कोबरे आ जाए, जब भी जरूरत हो आपको यहाँ पे एक रेस डाल देना, जहाँ भी आपको जरूरत के लगे हिसाब से आप लोगों को एक रेस डाल देना है। और बस ये वाला बेस देखते देखते खत्म हो जाएगा। आप लोगों को क्या क्या मिल जाएगा देखो, यहाँ पे ये वाला कंपार्टमेंट मिल जाएगा, यहाँ पे ये वाला कंपार्टमेंट मिल जाएगा, शायद ईगल भी मिल सकता है और ये एक इन्फर्नो टावर या फिर दो भी मिल सकता है, ठीक है। फिर आप लोगों को अपना ठीक ठाक टाइम देखा आपको आपको बैटिंग स्टार्ट करना है, बैटिंग यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो जहाँ पे जरूरत हो। और आपको एक आईएस कॉलम भी लेना है खुद का, और आईएस कॉलम आप लोगों को आपके हिसाब से जहाँ पे उजर टावर है यहाँ पे डिप्लाई कर सकती हो, मतलब सॉरी यहाँ पे उजर टावर है तो यहाँ पे डिप्लाई कर सकते हो, जहाँ पे भी आपको जरूरत हो वहाँ पे डिप्लाई कर देना है। फिर आप लोगों के पास तो तीन फ्रीज तो रहेगा, यहाँ पे एक फ्रीज, यहाँ पे एक फ्रीज, यहाँ पे फ्रीज, जहाँ पे भी जरूरत हो आप लोग यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम चलेंगे डायरेक्ट अटैक की तरफ। सो लेट्स बिगिन गाइस। तो जैसे कि मैं पहले कहा था आप लोगों को एक कोकोलून फिर पीछे से एक इसको ड्रैगन और अभी भी सेम कोकोलून एक ड्रैगन, ताकि कोई अगर यार माइनस हो तो फिर दो ट्रिगर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा वर्ट करके फाइनल होने का ट्राई करेंगे, फाइनल फाइनल हो जाए उसके बाद डिप्लाई करेंगे, नहीं तो हमारे सारे के सारे ट्रूप्स ना भटक जाएंगे। तो फाइनल आप होप के सब कुछ हो चुका है। तो पीछे के छाकर सारे पेक का और यहाँ पे हमारा लॉग लॉन्चर सीधी जगह पे, फिर किंग फिर वार्डन आ जाएगा, फिर यहाँ पे वो क्वीन भी आ जाएगी। तो वॉल फोड़ नहीं पड़ा है इसलिए मैंने क्वीन ड्रॉप कर दिया। तो अभी थोड़ा वर्ट करेंगे, पहला रेज भी आ गया और पिक्का भी भटक चुकी है। वार्डन उस तरफ क्यों जा रहा है, वहाँ पे एक पिक्का है, ठीक है कोई बात नहीं। और यहाँ पे एबिलिटी भी ठीक टाइम पे दे दिया, नहीं तो भाई लॉग लॉन्चर फूटने वाला था। और लॉग लॉन्चर और क्वीन साथ में ही हमारे सारे सारे ट्रूप्स भटक चुके हैं, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो वाला कंपार्टमेंट भी खाली हो जाएगा। और सी सी पे भी हमें तगड़े चीज रखी है यहाँ पे। और एनिमी सी सी कहाँ गया, और एनिमी सी सी यहाँ पे बाहर आ गया, तो शायद पॉइजन की ज़रूरत नहीं है, चलो कोई बात नहीं। और यहाँ पे एक इन्फर्नो टेक डाउन हो गया, दो इन्फर्नो टावर्स भाई टेक डाउन हो चुके हैं। और वहाँ पे देख सकते हो ऊपर वाला जो पिक्का चला गया था भाई, सब कुछ खा गया ऊपर वाला पिक्का, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे एक बेबी ड्रैगन, अरे बेबी, अरे यार तो यहाँ पे आइस गोलम चला गया बेबी ड्रैगन के मैंने छोड़ने के चक्कर में, तो कोई बात नहीं। और यहाँ पे एक और फ्रीज आ जाएगा गाइस, यहाँ पे ना दो फ्रीज हुआ था देखो, अगर यहाँ पे मैंने ठीक आइस गोलम यहाँ पे डिप्ले करा हुआ था बेबी ड्रैगन की जगह, यहाँ पे मैंने बेबी ड्रैगन डिप्ले करा तो फिर यहाँ पे कोई जरूरत ही नहीं था दोनों फ्रीज का, तो दोनों फ्रीज का स्वैग होने से मतलब बर्बाद हो गया, लेकिन पॉइजन फ्रीज का स्वैग हो गया। तो इनमें सीसी मैंने बहुत ही ज़्यादा तगड़ा रखा है, पर ना टाइम वेस्ट करने वाला, अभी तक सीसी जिंदा है। तो वहाँ पे जो आइस गोलम है ये रहा, नहीं ये तो मेरा आइस गोलम है, तो इनमें सीसी पे मैंने आइस गोलम दो वेल्केरीज और कुछ कचरा वाला के रखा हुआ था, क्योंकि टाइम वेस्ट ज़्यादा हो। और देख सकते हो टाइम वेस्ट इतना करने के बाद भी हमारे पास टाइम, देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम। और मुझे इतना टाइम मिल गया कि मैं यहाँ पे वीडियो फास्ट फॉरवर्ड भी कर देता हूँ, चलो और 97% और 100, अरे और भी बहुत कुछ नहीं बचा है, ये तो दो हिट, यहाँ पे एक हिट होने पर अगर स्टोरेज बता जाता तो फिर थोड़ा दिक्कत होता, लेकिन दो हिट से इजीली टेक डाउन हो गया, बहुत बढ़िया। और इस तरह से आप लोग इजीली इस बेस के ऊपर 3 स्टार कर सकते हो बिना पैनिक के, बहुत ही इजी है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। पेक वो बैट भाई कोई दिमाग लगाने का मतलब ज़रूरत ही नहीं है, ज़्यादा मतलब दिमाग नहीं लगता। तो अभी हम चलेंगे नेक्स्ट लेवर की तरफ। तो ये रहा हमारा सुमित भाई का नेक्स्ट बेस, और
इस बेस को वाइज देख के ना सच बताओ तो पहली बात में सबको मतलब लगभग सभी को याद आ जाता है हमारा स्पेशल विच आर्मी भाई, विच और लाइटिंग स्पेल क्या कॉम्बिनेशन है भाई। दोनों इन्फर्नो टावर मल्टी है, दोनों दोनों साइड है एंड ईगल यहाँ पे मिडिल पे है एंड सीसी भी मिडिल पे है। तो अभी चलो मैं आपसे को प्लान समझाता हूँ इस बेस के ऊपर। सो गाइस सबसे पहले तो आप लोगों को जो 8 इलेक्ट्रिक स्पेल लिए हो आप लोग वहाँ पे डिप्ले कर देना, यहाँ पे 4 यहाँ पे 4 फिर यहाँ पे 2 अर्थक्वेक आ जाएगा, यहाँ पे पीछे से 1 अर्थक्वेक यहाँ पे 1 अर्थक्वेक, तो यहाँ पे दोनों इन्फर्नो टावर टेक डाउन हो गया ठीक है। एक जो बचा रहेगा इसको का ये लो बहुत ही ज़्यादा लो एच पी रहेगा। और आप लोगों को जो 3 गोलम्स लिए हो यहाँ पे एक गोलू यहाँ पे एक गोलू और यहाँ पे एक गोलू आप लोगों को यहाँ पे अरे सॉरी मार्क वगैरह नहीं हो रहा फोन से बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता है, तो तीनों गोलम यहाँ पे आप लोग डाल दोगे फिर पीछे सारे के सारे विच यहाँ पे फिर पीछे सारे के सारे आप लोगों यहाँ पे बोलर्स भी डाल दोगे ठीक है। तो फिर आपको पीछे से यहाँ पे लॉक लॉन्चर अपना फिर यहाँ पे किंग फिर यहाँ पे क्वीन आप लोग सब कुछ यहाँ पे डाल दोगे ठीक है। पूरा अपना प्रूफ कोड में जाना चाहिए पूरा यहाँ पे कोड में ही आ जाएगा मतलब यहाँ पे आ जाएगा। फिर आप लोगों को एक जो जांच पे लियो आप लोग जांच पे यहाँ पे भी डाल सकते हो लेकिन अच्छा चलो यहाँ पे आप लोग डाल देना चाहते हो क्योंकि देख सकते हो यहाँ पे एक एक्सपो है और यहाँ पे एक उजर टावर भी है तो यहाँ पे भी है उजर टावर लेकिन यहाँ पे एक एक्सपो भी मिल जाएगा क्वीन भी मिल जाएगा उजर टावर भी मिल जाएगा ठीक है सब कुछ यहाँ मिल जाएगा। और बस देखते देखते आपका ये वाला बेस भी कब 100 हो जाएगा आप लोग खुद भी पता नहीं चलेगा ठीक है। अभी हम चलते हैं अटैक की तरफ। सो लेट्स बिगिन गाइस। सो गाइस पहले आप लोगों यहाँ पे 4 के 4 और लाइटिंग स्पेल होने पे आपको एक कैनन भी मिल जाएगा बहुत ही इजीली, मैंने ध्यान दिया था। और यहाँ पे भी 4 के 4 लाइटिंग स्पेल और यहाँ पे अर्थक्वेक तो दोनों को दोनों इन्फर्नो टावर फूट गए बहुत ही बढ़िया। और यहाँ पीछे से तीनों के तीनों गोलू हमारा आ जाएगा फिर यहाँ पीछे सारे के सारे विच और यहाँ मिडिल पे थोड़ा ज्यादा विच देना और यहाँ पे 2 गोलम यहाँ पे 2 बोलर्स सॉरी गोलम क्या बोल रहा है बोलर्स बोलर्स और सामने के सामने मिडिल पे 4 के 4 बोलर्स और यहाँ पे किंग आ जाएगा क्वीन जाएगा। और गाइस यहाँ पे मैंने ये गलती कर दी मेरा वार्डन हो गया गलती से यार भाई ये क्या हो गया। लेकिन चलो देखते हैं क्या होता है अटैक पे ज़्यादा तो फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन जितना ही पड़ेगा बहुत ही ज़्यादा पड़ेगा। और यहाँ पे सीसी भी बाहर आ चुका है तो सीसी के ऊपर यहाँ पे पॉइजन आ जाएगा और यहाँ पे ठीक टाइम पे एबिलिटी भी डाल दी बहुत ही बढ़िया लेकिन शायद थोड़ा और लेट डालना चाहता और नहीं नहीं तो इस सीट से मैं बच जाता। चलो कोई नहीं अभी तक बहुत सारे टूल्स बचे हुए हैं बहुत ही बढ़िया। और यहाँ पे ईगल टेक डाउन हो गया एक हिट रहेगा और यहाँ पे हॉक्स इस तरफ आ गए तो और ये तो और भी ज़्यादा अच्छा हुआ क्योंकि मुझे लगा था मैं ड्रम्स पर वहाँ पर डाल सकता हूँ लेकिन कोई ज़रूरत ही नहीं है हॉक हमें पूरा ख़त्म कर देंगे सीसी के हॉक्स। और ड्रम्स पर यहाँ पर डाल दिया और अभी किंग का एबिलिटी भी हो गया और किंग इस तरफ भी आ चुका है तो बेस के ऊपर गाइस ज़्यादा कुछ बचा नहीं है कि हमारे पास विच कितने बचे यहाँ पे 1 2 यहाँ पे 3 4 5 6 7 8 विच गाइस अभी तक बचे हुए से मतलब 2 विच हमारे यहाँ पे मरा है और बेस यहाँ पे 1 उल्टा टावर बचा है ये थोड़ा दिक्कत देगा लेकिन अभी तक स्टिल क्वीन की एबिलिटी यूज जो थी अभी तक अभी नहीं है बहुत बढ़िया। और अभी मैं फिर से फास्ट फॉरवर्ड कर दिया यहाँ पे और यहाँ पे उजर टावर बोलर्स ने ख़त्म कर दिया ठीक है। और अभी चलो विच गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 विच गए 7 विच अभी तक बची हुई है भाई साहब। और टाइम भी आप लोगों ने देखा होगा बहुत ही ज़्यादा टाइम था 1 मिनट से ज़्यादा टाइम था। और इस बेस के पास ये वाला आर्मी बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है अगर इस वाला बेस आप लोगों को कभी दिख जाए ना तो फिर इस बेस आप लोग इजिली टेक डाउन कर सकते हो। और अभी यहाँ चले गए वन ऑफ दी नेक्स्ट लेवल भाई साहब ये वाला लेआउट ना गाइस नेक्स्ट लेवल लेआउट है। और चलो इसके ऊपर प्लान आप लोगों को मैं प्लान समझ देता हूँ। सो गाइस ये वाला लेयर के ऊपर मैंने सोच के रखा था कि इसके ऊपर मैं कोई भी स्ट्रेटजी यूज़ नहीं करूँगा मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही वो है हाइब्रिड आर्मी यूज़ करने वाला हूँ बस और कोई भी यूज़ नहीं करना चाहता क्योंकि मैं आप लोगों का 2 स्ट्रेटजी ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। लेकिन गाइस मेरा बात यहाँ पे मान लो यहाँ इस बेस के ऊपर ना कोई भी स्ट्रेटजी कोई सा भी आर्मी काम नहीं बिल्कुल भी नहीं आने वाला भाई ये बेस बना ही ऐसी तरह है भाई कोई सा भी आर्मी सब कुछ मैंने यहाँ पे इस बेस के ऊपर ट्राई कर लिया जो भी आर्मी मतलब होता है मतलब ब्लीजर लालून हो गया फिर यहाँ पे हाइब्रिड हो गया फिर इलेक्ट्रो ड्रैगन ब्लीजर इलेक्ट्रो ड्रैगन हो गया सब कुछ ट्राई कर दिया लेकिन एक ही आर्मी इस बेस को 3-स्टार कर सकती है और वही हमारा सेम आर्मी है और वह है पिक्का पोबैट वाली आर्मी। चलो दिखा देता हूँ आप सभी को तो बस पहले तो हमारा वही सेम यहाँ पे इलेक्ट्रो ड्रैगन यहाँ पे इलेक्ट्रो ड्रैगन तभी एक थोड़ा सा फनल बन जाए फिर फनल बनने के बाद तो जानते ही हो चलो चलो पिक का फिर यहाँ पे अपना जो लॉक लो जाए आप लोगों को ठीक यहाँ पे डिप्ले करना है ताकि ये इस तरह से आ जाए ठीक है। तो यहाँ पे लाइन थोड़ा सीधा होगा इस तरह से आ जाए तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कचरा हो जाए तो उसके बाद आप लोगों को पीछे से सारे के सारे यहाँ पे ट्रूप्स अपना किंग फिर क्वीन फिर यहाँ पे पीछे के सारे हीलर्स आ जाएगा फिर यहाँ पे थोड़ा के शुरू ट्रूप्स बंच पे आने के बाद यहाँ पे एक रेस स्पेल फिर सीसी के बाहर आ जाएगा सीसी के ऊपर यहाँ पे एक पॉइजन आ जाएगा फिर सीसी भी कब मर जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। और फिर उसके बाद आपको जरूरत की सबसे इक्वल रेंज आपको जहाँ पे भी जरूरत हो आपको वहाँ पे डाल देना है ठीक है। यहाँ पे 2 मल्टी तो इन्फर्नो से आप लोगों को ये वाला इन्फर्नो तो निकल जाएगा इजीली मतलब लॉक लॉन्चर मतलब हिट से ये वाला वॉल भी फूट जाएगा ये पे तो निकल ही जाएगा कोई
डिफेंस वाली बात नहीं है, और आपको जो एक आयस गोले मिला है आपको एक आयस गोले चाहो तो यहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हो, यहाँ पे भी डिप्लॉय कर सकते हो, जहाँ पे गुजर टावर हो आपको जरूरत पे जरूरत हो यहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हो, ठीक है। और आपको जो एक बेबी ड्रैगन लिया हो ना, बेबी ड्रैगन आपको लोगों को यहाँ पे ध्यान से प्ले करना चाहिए, जहाँ पे भी उलझा टावर हो, उलझा टावर जैसे कि यहाँ पे जो ये वाला उलझा टावर दूर है, आप चाहो तो यहाँ से भी डिप्लॉय कर सकते हो ताकि ये बेबी ड्रैगन यहाँ पे आ जाए ये वाला हिट करने के बाद, ताकि यहाँ पे थोड़ा आप लोगों का फ्रीज बच जाए, ठीक है। तो आप लोगों को मैं करके दिखाता हूँ, ज़्यादा हार्ड नहीं है। सो लेट्स बिगिन गाइस। तो चलो पहले तो आप लोगों को यहाँ पे, अरे पिक नहीं ये ड्रैगन यहाँ पे एक, और इस तरफ एक ड्रैगन और कोकोलून डाला मैंने भूल गया, तो फिर भी बात कर लेता हूँ। और यहाँ पे उसके बाद थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे वेट करना, ज़्यादा मतलब जल्दबाजी मत करना, फनल का थोड़ा टाइम वेट करना। और यहाँ पे फनल अभी तो बन चुका है फिलहाल अच्छा खासा, अभी टू साइड नहीं फटकेंगे। और यहाँ पे पिक्का, फिर पीछे से लॉग लॉन्चर, फिर हमारा किंग क्वीन और यहाँ पे वार्डन आ जाएगा। तो हर बार की तरह हमारा किंग भटक चुका है और किंग के ऊपर लॉक हो चुका है हमारा ईगल। बहुत ही बढ़िया, यही तो हम चाहते थे, मतलब सभी यही चाहता है। और फिर यहाँ पे हमारा एक पहला रे सीसी बाहर आ चुका है, पहला पॉइजन, और यहाँ पे वार्डन का एबिलिटी भी सही टाइम पे दे दी भाई साहब, बच गया बहुत सारे ट्रूप्स, ठीक है। और यहाँ पे सीसी भी कचरा भर हुआ और सीसी का, और यहाँ पे आइस गोलम भी फूट गया, और हमारा इसलिए टाइम वेस्ट कर लिया, मैं खुद का ही टाइम वेस्ट कर लिया, मैंने ये सारा कचरा भर के रखा है सीसी के अंदर, ठीक है। तो इसलिए आपको मतलब समझने में कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने भर के रखा। और यहाँ पे एक और यहाँ पे रेज यहाँ पे भी आ जाएगा, ईगल टेक डाउन हो चुका है, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे हम लोग टाइम ना वेस्ट करते, हम लोग यहाँ पे हमारा बैटिंग भी स्टार्ट करने का, ताकि यहाँ पे किंग किंग को अभी तो हिट कर रही है, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे किंग चला गया, अरे भाई, अरे यार हट लग गया भाई, एक हिट लग गया। तो भाई साहब कितने सारे बैट्स मर चुके हैं हमारे, तो क्या ये अब तक पॉसिबल है। चलो एक फ्रीज यहाँ पे डाल दिया, तो ठीक है। और यहाँ पे एक और फ्रीज आ जाएगा और लास्ट फ्रीज उधर टॉप का देख सकते हो, एक हिट बचा के रख, मतलब बच गया था एक हिट, ठीक है। और लास्ट फ्रीज की गाइस यहाँ पे, और मेरे पास एक आइस गोल, तो मैं आइस गोलेम तो भी यहाँ पे डाल सकता था भाई, इस पर भी एक फ्रीज हुआ हुआ था, लेकिन मैं खुद की गलती से नहीं कर पा रहा, लेकिन स्टिल कोई बात नहीं। और नहीं तो हमारे पास और पहले ही हो जाता, लेकिन वहाँ पे भी कितने सारे बैर्स मर गए, देखो भाई 50% से ऊपर बैर्स वहाँ पे तो मर गए, तो ठीक है कोई बात नहीं है। और ये बेस देखते देखते इस तरह से आप लोग 3 स्टार कर सकते हो भाई, और आप लोग ये वाले बेस की और भाई आप खुद ही ट्राई करके देखना, आप लोग कोई भी सारे आर्मी ट्राई करके देखना भाई, ये वाला बेस ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आप लोग को पहले जो बेस आप लोगों ने देखा होगा उस सारे बेस को आप लोग किसी भी और स्ट्रेटजी शायद 3 स्टार कर सकते हो एक दो बार ट्राई करने के बाद, लेकिन ये वाला लेआउट ना भाई किसी से भी नहीं होता, आप लोग खुद करके देख लेना। फिर उसके बाद मुझे बताना कि इस वाले बेस को इस वाले आर्मी से भी हम लोग 3 स्टार कर सकते हैं, ताकि मुझे ही पता चले हाँ कोई सा और भी तो आर्मी है कि हम 3 स्टार कर सकते हैं, ताकि मुझे पता चले और मेरे तरफ से बाकी सबको पता चले। सो आज के वीडियो से इतना ही, आई होप सबको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आए तो एक लाइक जरूर कर देना। उनका स्टेडियम से पहले चीज किसी ने भी अभी तक सब्सक्राइब बटन की तरफ देखा नहीं, छुआ नहीं, ऐसे मत किया करो मेरे, उसके बाद देख के छू के रेड से ग्रे कलर कर देता हूँ। तो के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय गाइस।